हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय सेल्फ कमलेश यादव, मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कोच। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही जबरदस्त कंटेंट लेकर के, बहुत ही पावरफुल टॉपिक लेकर के। जो हमारा कंटेंट चल रहा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जी हाँ, तो हमारा जो कंटेंट चल रहा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो आज हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का 8वां सवाल है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में लगभग 10 सवाल आते हैं आपके प्रोस्पेक्ट के सामने से, जो ऑब्जेक्शन आते हैं, तो आज हमारा इसका 8वां सवाल है। तो आप प्लान अपना शेयर कर देते हैं, अपना प्रोडक्ट की भी उनको जानकारी दे देते हैं, तो वहां से 10 एक सवाल आते हैं, तो उसमें से एक सवाल ये भी आता होगा कि सर मैं बेच नहीं सकता। जो आज हमारा कंटेंट है, जो आज हमारा टॉपिक है, मैं बेच नहीं सकता। यदि आपके सामने भी ऐसे ऑब्जेक्शंस, आपके सामने भी ऐसे सवाल आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। और आप इस वीडियो को लास्ट तक की देखें एक सही आंसर लेने के लिए कि यहां पर उन्हें क्या बोलना चाहिए, और वीडियो के लास्ट तक की बने रहें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जी हां, जो आज हमारा कंटेंट है, मैं बेच नहीं सकता, बहुत सारे ऐसे मतलब आपके पास भी सवाल आते होंगे, तो यहां पर सबसे पहले आपको एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, सील, फेल्ट एंड फाउंड। यानी कि पहले जब हमारे पास से प्लान आया या मेरे पास जब प्रेजेंटेशन दिखाई गई, तो मेरे को भी ऐसे ही लगा या हमें भी ऐसे लगा कि मैं बेच नहीं सकता। पर कुछ टाइम के बाद में हमारे प्लाइन ने बताया कि जो है कि बेचना किसे कहते हैं, यानी कि आप जो इसमें हो रहा है, यहाँ पे हर एक इंसान बेच ही रहा है। बस यही है कि जैसे आप जॉब करते हैं, जैसे मेरे को ही मेरे अपलाइन ने बोला कि आप कंपनी में जाते हैं, आप जॉब करते हैं, तो वहां पर आप अपने समय को बेचते हैं और आप अपने स्किल को बेचते हैं तो पैसा कमाते हैं। यानी कि हर एक इंसान इस दुनिया में बेच रहा है, पर क्या है कि जब लोगों के सामने ये हमारी प्रेजेंटेशन जाती है तो लोग क्या बोलते हैं कि सर मैं बेच नहीं सकता। ऑलरेडी वो पहले से ही बेच रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में हर एक इंसान बेच रहा है, एक चार्टेड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर, सारे बेच रहे हैं। बट क्या है कि कोई प्रोडक्ट बेचता है और कोई अपनी स्किल्स बेचता है और कोई अपना समय बेचता है। तो कहने का मतलब है कि सारे के सारे ही बेच रहे हैं। फिर अपने आप को समझ में आया कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और फिर मैंने काम को स्टार्ट करा। और जब बेचना शब्द आता है या जब नेटवर्क मार्केटिंग सामने आती है, तो लोगों को जो दिमाग में एक इमेज गलत पैदा होती है, जैसे कि बेचना या मैं बेच नहीं सकता या सेल्स, तो उनके जो दिमाग में एक इमेज आती है कि बैग में सामान रख करके या रेहड़ी पर सामान रख करके हमें गली गली में चिल्ला करके बेचना होगा। मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर आपको एक प्रोफेशनल तरीके से बेचने का एक सिस्टम मिलेगा, जैसे कि आप देखते हो एक परचून की दुकान वाला भी सामान बेच रहा है और एक एक्टर, एक अमिताभ बच्चन भी सामान को बेच रहे हैं। बट क्या है कि इस दुनिया में दो तरह के इंसान पाए जाते हैं, पहले वो जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करके पैसा कमाते हैं, और दूसरे वो जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी तो करते हैं बट वो पैसा नहीं कमा पाते। तो जो एक्टर वगैरह हैं, ये है वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करके पैसा कमाते हैं, या जो आपने देखा होगा नेता हो गए, ये भी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करके पैसा कमाते हैं। और जैसे हम जैसे नॉर्मल इंसान क्या है कि हम भी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी तो करते हैं बट पैसा नहीं कमा पाते, फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करते हैं। तो यहां पर आपको वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करने का मौका मिलेगा, एक अच्छा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो जो ये बेचने की इमेज है, लोगों के दिमाग में गलत इमेज जाती है कि यानी कि बैग में सामान रख करके गली गली में घूम घूम करके बेचना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और बेचने अगर देखा जाए तो एक दुकान वाला भी नॉर्मल बेच रहा है, एक मुकेश अंबानी जो है कि वो भी बेच रहे हैं, रिलायंस सब्जी
वो भी बेच रहे हैं। और सॉरी, और अगर आप देखो तो एक दुकान पे जो रेहड़ी लगा के बेचते हैं गलियों में, वो भी बेच रहे हैं। बट दोनों में फर्क क्या है कि वो प्रोफेशनल तरीके से बेच रहे हैं। तो आपको यहां पर सिखाया जाएगा प्रोफेशनल तरीके से कैसे बेचना है, या आपको मतलब कि कुछ टाइम में आपको ऐसा चीज सिखाया जाएगी कि लोग बाग अपने आप से ही आपसे प्रोडक्ट लेकर के जाएंगे। यानी बगैर बेचे इंसान को कुछ नहीं मिलता। हर एक इंसान यहां पे इस दुनिया में बेच रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है जो सेल्स है, क्योंकि जो सेल्स है यहां पर आप अपने वीक का या आप अपने महीने का चेक, जो आपकी इनकम है, आप अपने हाथों से खुद लिखते हैं कि आपको कितने की इनकम चाहिए। और आपको अदर डिपार्टमेंट्स में आपको जो सैलरी लगी होती है वही मिलती है। और यहां पर आप हर जो है कि ईयर, हर मंथ आप यहां पे ग्रोथ कर सकते हैं सेल्स में। और सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आप हर हफ्ते, हर महीना आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं और अपने चेक को अपने हाथ से लिख सकते हैं। और जो जॉब में है आप एक्टिव इनकम लेते हैं, और आप यहां पर कुछ टाइम में आने के बाद में आप यहां से पैसिव इनकम ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं मेरे वीडियोस, मेरे कंटेंट्स बहुत अच्छे लगे होंगे। तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और ऐसे वीडियो, ऐसे कंटेंट की बहुत सारे लोगों को जरूरत है तो शेयर जरूर करें। हाँ, मैं लास्ट में जो मेरे सामने भी ऐसे ऑप्शन आते हैं, ऐसे जो है कि ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो मैं लास्ट में उनसे एक ही चीज पूछता हूं, क्या बेचना सीखा जा सकता है? अगर अगले इंसान ने बोलता है बिल्कुल सीखा जा सकता है, तो मेरे भाई क्यों नहीं सीखा जा सकता है? हर एक कला सीखी जा सकती है यहां से। थैंक यू सो मच। शेयर जरूर करें वीडियो को।